तमिल की एक पैन इंडिया फिल्म देखकर आ रहा हूं जिसका नाम है जिगर थंडा डबल एक्स स्टारिंग राघव लॉरेंस एंड माय फेवरेट एस जे सूर्या। अब देखो ये फिल्म एक स्पिरिचुअल सीक्वल है, यानी कि जो प्लॉट लाइन रहेगा वो पार्ट वन जैसा सिमिलर रहेगा। अब जिन्होंने पार्ट वन देखी है वो तो वाकिफ ही रहेगा प्लॉट से, और अगर नहीं देखी है तो इतना समझ लो कि पार्ट वन का हिंदी में रिमेक किया था फरहाद सामजी ने बच्चन पांडे के नाम से, तो फिर समझ लो अच्छी ही होगी। मेरा इस फिल्म को देखने की जो वजह थी वो है डायरेक्टर कार्तिक सुबहराज। उनकी फिल्म मेकिंग में मेरे को जो थोड़ा सा आर्ट स्टाइल देखने जो मिलता है और जो इतने एंटरटेनिंग स्टाइलिश वे में रहती है भाई, वो मेरे को बहुत क्रेजी कर देता है यार। नेल्सन, एटली, लोकेश, ये तो यार अभी के टाइम पे तमिल में बाजी मार रहे, लेकिन कार्तिक सुबहराज बूच मार देता है। काश उसकी वो फिल्म महान थिएटर में आई होती थी, ओहो क्या ही एक्सपीरियंस होता था। एनीवेज, जिगर थंडा डबल एक्स इस सिनेमा के अंदर सिनेमा की जो वैल्यू है, जो उसकी आवाज है, जो उसका प्रभाव है, इस बार वो बहुत ही जोर से नजर आता है। I mean, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको लगता है कि सिनेमा कितना महत्वपूर्ण है और एक पागलपन सा है। इनफैक्ट इस फिल्म को बनाने के लिए इसके आर्टिस्ट एंड इवन डायरेक्टर्स कितना पागल है वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको नजर आ जाएगा। सारे आर्टिस्टों ने ये प्रूव किया था कि भाई हम सिनेमा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैं जिगर थंडा डबल एक्स इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा, द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम विलन टू हीरो, From cinema to nature, this is the craziest Tamil film of the year. Entry scene, pre-interval scene, emotional scene and climax. बाप रे बाप, क्लाइमेक्स में तो आप जो एक्सपेक्ट करोगे वैसा होता नहीं है, और जो होता है वो आप सोच भी नहीं सकते। मजा नहीं, मां बहन कर दिया फिल्म ने। फिल्म ने जिस तरीके से सिनेमा एंड नेचर के मैसेज को जो बैलेंस किया है, ये किसी आर्ट से कम नजर नहीं आता है। एंड इसलिए मैंने बोला कि मैं कार्तिक सुबहराज की फिल्म मिस नहीं करता। हालांकि उनके फिल्मों में थोड़ा पॉलिटिकल एजेंडा रहता ही है, लाइक उनके प्रीवियस फिल्म जगह में थंडीराम में जो पॉलिटिकल एजेंडा आपको देखने मिलता है वो किसी को हजम नहीं होता है, एंड वो एक काइंड ऑफ फ्लॉपी फिल्म समझो। लेकिन यहां पर जो आपको देखने मिलेगा वो डेफिनेटली आपको रुला देगा। सेकंड हाफ में एक सीन है जहां पर एलिफेंट्स आते हैं एंड राघव को थैंक यू बोलते हैं जिस हिसाब से, वो ऐसा इमोशनल सीन है जहां पर अगर आप फिल्म को पीछे का नहीं भी देखे रहोगे और डायरेक्ट आके भी देखोगे ना तो भी रो देगे। वो इतना इंपैक्टफुल और इतना पावरफुल लगता है। एंड यार सेकंड हाफ के जितने भी जंगल के शॉट्स है, उसके विजुअल्स एंड सिनेमेटोग्राफी इतने पाप लगते हैं ना, आप बोलोगे कि यार ये कैमरा से खेल रहा है आदमी। पूरी फिल्म को जब आप देख के उठोगे ना तो आपके दिमाग में यही चलेगा कि यार कितनी मेहनत से इस फिल्म को बनाया है। एंड जिस हिसाब से फिल्म के सारे एक्टर्स ग्राउंडेड हो गए, धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह सब में डूब गए, खो गए, ऐसा लग रहा है वो लोगों ने बोल दिया कि लो तुम हमारा जैसा इस्तेमाल करना है करो डायरेक्टर साहब, लेकिन कर लो तुम। एंड इमेजिन करो अगर यही धूल मिट्टी कीचड़, अगर ऐसा ही कोई ग्राउंडेड फिल्म अगर बॉलीवुड से आता ना, तो अगर उसमें स्टोरी ना भी होती ना तो सब इतना सर पे चढ़ा देते कि भाई साहब इसको नेशनल अवार्ड दिलाओ, नेशनल अवार्ड दिलाओ। लेकिन सोचो ना, ऐसे काइंड ऑफ फिल्म में तमिल तेलुगु वालों के लिए सुबह का नाश्ता रहता है, एंड विद प्रॉपर डेप्थ भरी स्टोरी लाइन के साथ साथ, यार उनको हम रिलेट नहीं करते, उनमें हम डूब जाते हैं। एनीवेज, अब अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार सारे एक्टरों ने ये फील कराया कि ये एक्टर थे ही नहीं, ये कोई गांव के थे, इतना लेवल ऑफ डेडिकेशन था। वही मैं लीड एक्टर राघव की बात कर दूं तो भाई साहब ने चंद्रमुखी 2 का पूरा बदला ले लिया एंड करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। एंड वही एस जे सूर्या जो सरप्राइजिंगली अपना एक्सप्रेशन चेंज करते फिरते हैं। अच्छा, क्लाइमेक्स में एस जे सूर्या राघव लॉरेंस की कॉपी करता है, एंड वो जो कॉपी आप देखोगे ना, आप खड़े होकर तालियां बजाओगे, वो इतना एक्यूरेट और इतना धमाकेदार करता है। बात करूं बीजीएम की तो संतोष नारायण ऐसे काइंड ऑफ फिल्मों के लिए बादशाह ही रहे, फिर चाहे दसरा हो कर्णन हो, वो बाजी मार ही लेता अपने डोप म्यूजिक के साथ। वही फिल्म की एक और अच्छी बात यह कि फिल्म लंबी तो है लेकिन एक भी सीन मिस करने का आपको मन ही नहीं करेगा, इतना टाइट स्क्रीन प्ले है, जस्ट लाइक वाड़ा चेन्नई ऑफ वेत्रीमारन। फिल्म के एंड में एक ट्विस्ट भी आता है कि पार्ट 3 भी ऑन द वे है, तो मतलब ये लोग रुकने नहीं वाले हैं, रुकना तो चाहिए भी नहीं। ओवरऑल जिगर थंडर डबल एक्स इज अ जिगर गरम फिल्म विच डिजर्व ऑल ऑडियंस, जाकर देखो। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं लेकिन देखने का जो मजा है वो भी थिएटर में, भाई समझो कि मौका है आपके पास। एंड ये हिंदी में भी कहीं कहीं लगी है, चिंदी रिलीज हुआ है इसका भी, लेकिन अगर मौका मिले तो जाके देख लेना भाई, मजा आ जाएगा। मैं इस फिल्म को दूंगा 4/5 स्टार। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। 30 किलोमीटर दूर ट्रैवल करना पड़ा है भाई लोग, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ गया। बाय।